हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सी ये डिजाइनर सॉक्स बनाने सिखाऊंगी। ये देखिए, पूरा पैर आपका इसमें कवर हो जाएगा। ये देखिए, अगर आपको बड़ा साइज बनाना है तो फ्लावर आप ज़्यादा और ज़्यादा इसमें ऐड कर लीजिए, छोटा बनाना है तो आप ये फ्लावर कम कर लीजिए, क्योंकि इन फ्लावर में हमारे फंदे बढ़ते हैं और हमारी लेंथ लंबी बनती है। और अगर फ्रेंड्स आपको इसी डिज़ाइन में अंगूठे वाली बनानी है तो उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम हमें बिना अंगूठे की बना के दिखाइए इसी डिज़ाइन में, तो उसी डिज़ाइन में मैंने बिना अंगूठे की बनाई है। ये देखिए, ये फ्रेंड्स इसका नीचे का हिस्सा है, बहुत ही कम्फर्टेबल बनी है। और ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट इसकी एडी की शेप आई है। ये देखिए, पूरा पैर आपका इसमें कवर हो जाएगा, किसी भी आप स्लीपर वगैरह में आप इस सॉक्स को पहन सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए। अगर ये आपको डिज़ाइन बनाना है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको डिज़ाइन थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें फ्रेंड्स हम बिल्कुल ही आसान तरीके के मैं आपको इसमें फंदे बताऊँगी। सबसे पहले हम यहाँ पर एक नोट लगा लेंगे, ये देखिए। और अगर आपको डालने आते हैं तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। सिंगल थ्रेड से मैं इसमें फंदे डालूंगी। ये देखिए, एक हमारा नोट से हो गया। ये देखिए, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इसमें 49 फंदे डालूँगी। ये देखिए, 49 फंदे डालने के बाद हम इसमें ऊपर का बनाएंगे। तो मैं फंदे डाल लेती हूँ। ये देखिए, इसमें फ्रेंड्स मैंने 49 फंदे डाल लिए हैं। 49 फंदे डालने के बाद देखिए, ये हमारी उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है, तो हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे पूरी रो में। इसी तरीके से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करूँगी, एंड तक हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, पूरी रो मैंने उतार के कंप्लीट कर ली है। किनारे के फंदे को मैं थ्रेड पीछे करके सीधा बना लूँगी, पलट लेंगे। ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड है, तो सीधी साइड से भी हम फर्स्ट वाले को उतार लेंगे। इसको हमने एक साइड से बनाना है। और देखिए, इस साइड से भी मैं इसी तरीके से इसको मैं उल्टा उल्टा बनाऊंगी। दोनों साइड से मैं इसको उल्टा उल्टा ही बनाऊंगी। अगर आप सीधा सीधा बनाने में कंफर्टेबल है तो सीधा सीधा बनाइए, तब भी हमारा ये ऐसी ही ये लाइन बनेगी। देखिए, हमारी ये एक लाइन बनेगी दो रो में दोनों साइड से। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही मैं इसमें दो रो और बनाऊँगी। ये रो कम्प्लीट करने के बाद चार रो में इसमें और उतारूँगी। छोटा सा हमारा ये बॉर्डर बन के तैयार हो जाएगा, उसके ऊपर फिर हम अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने छः रो का बॉर्डर बनाया है, एक, दो, तीन, तीन मेरी ये लाइन है। तो देखिए, दो रो में हमारी ये एक लाइन बनती है। अगर आपको बॉर्डर चौड़ा पसंद है तो आप यहाँ पे चार पाँच जितनी भी आपको पसंद है इसकी बॉर्डर की चौड़ाई, उतना ही आप इसको चौड़ा बना लीजिए। तो देखिए, 24 फंदे मेरे इस साइड हैं, ध्यान से देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और बारह। 24 फंदे हमारे इस साइड हो गए। और ये देखिए, इस साइड भी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और बारह। 24 फंदे मेरे इस साइड हो गए। जो एक बीच का फंदा है उसमें मैंने ये मार्कर यहाँ पे लगा दिया है। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे दूसरा कलर जोड़ लिया है, जो कि मेरा ग्रीन कलर है। आपका कोई भी दूसरा कलर हो उससे आप यहाँ से बना लीजिए। ये देखिए, और ये जो पिंक वाला थ्रेड है फ्रेंड्स, ये भी हम ऐसे साथ साथ इसके लेके चलेंगे, क्योंकि बीच में हमने पिंक से फ्लावर बनाना है। या तो आप बीच में कोई दूसरा थ्रेड भी वहाँ पे लगा सकते हो, और या ऐसे बीच में बैक साइड से इसको ऐसे साथ लेके चलिए। दो तीन फंदे बनाने के बाद फिर आप इसको ऐसे आगे ले लेना। तो ये देखिए, बैक साइड से थ्रेड लंबा भी नहीं होगा और हमारा बीच में आ जाएगा। तो 24 फंदे मैं ये इसी तरीके से मार्कर तक बना लेती हूँ,
फिर हम इसमें फूल का डिज़ाइन डालेंगे। ये देखिए 24 फंदे मैंने ग्रीन से सीधे सीधे बना लिए हैं। अब देखिए ये हमारा मार्कर है, इसको अब हम निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने इस फंदे पे फ्लावर बनाना फ्रेंड्स, और इस फर्स्ट वाले होल में से ये देखिए एक रो नीचे से इस वाले होल में से हमने नीडल डालनी है। और ये पिंक थ्रेड हम लेके आए हैं, तो ग्रीन को हम छोड़ देंगे, ये पिंक है, ये बैक साइड से ऐसे आप इसको ले आइए, नहीं तो यहाँ पे आपको दूसरा भी लगाना पड़ेगा। ये देखिए एक बार हमने इसको बना दिया, इसको निकालेंगे नहीं, एक लपेट लिया, दो बना दिया, तीन लपेट दिया, चार बना दिया, पाँच लपेट दिया, छः और एक बार और बना दिया, सात। एक फंदे से हमारे सात फंदे बन गए। अब हम इसको निकाल देंगे, पिंक वाले थ्रेड को यहीं छोड़ देंगे, और आगे के फंदे हम अब ग्रीन से ये 24 फंदे बनाएंगे सीधे सीधे। इसी तरीके से मैं ये पूरी रो कंप्लीट करूँ, ये पूरी रो मैंने उतार के कंप्लीट कर ली। पलट लेंगे। अब देखिए बैक साइड से फ्रेंड्स हम फर्स्ट वाले फंदे को ऐसे उतारेंगे, और ये 24 फंदे मैं ऐसे ही उल्टे उल्टे बनाऊंगी। इस रो को आप ध्यान से देखिएगा, हर बार आपने इस रो को इसी तरीके से बनाना है। ये देखिए हर फ्लावर में हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इस वाले जब लास्ट वाले फंदे को हम बनाएंगे, तो आप इसको ऐसे करिएगा, इस पिंक वाले थ्रेड को ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पे ये हमारा ये अटैच हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जब इस साइड करेंगे तो यहाँ से हमारा ये लूज नहीं होगा। थ्रेड को पीछे किया, अब देखिए ये जो सात फंदे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे। ध्यान से देखिए जब ये हमारा फ्लावर बनेगा, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। ये देखिए थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे, अब हम ग्रीन वाले से बनाएंगे। ये पूरी रो में उतार के कंप्लीट करूँ। ये देखिए अब देखिए फ्रेंड्स फ्लावर हमारा बनके कंप्लीट हो गया है, लेकिन दूसरा फ्लावर डालने से पहले जो भी आपने कलर लगाया है, मेरे पास ये ग्रीन है, तो मैं ग्रीन की बिल्कुल ऐसे ही सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा, दो रो बीच में सिंपल ऐसे ही बनाऊँगी। इसमें हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, नई फ्लावर डाल लेंगे। इसी तरीके से मैं ये बनाऊंगी। तो देखिए फ्लावर वाले फंदे को भी हम ग्रीन से बनाएंगे, ताकि हमारे फ्लावर अलग अलग दिखाई दें। ये देखिए इस रो को मैं आपको उतार के दिखा दूं। ये 24 फंदे हमने ग्रीन से बना लिए, आगे के सात फंदे भी हम ग्रीन से ही बनाएंगे। ये देखिए और सीधा सीधा ही बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। ये देखिए और ये आगे के फंदे भी मैं सारे ही सीधे सीधे बनाऊंगी, और उल्टी साइड से भी इस रो को मैं उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करूंगी। एक बार अगला फ्लावर और आपको मैं डाल के दिखाऊंगी कि हमने दूसरा फ्लावर कैसे और कहाँ डालना है। तो मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी।
ये देखिए एक बार का फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है। बीच में ये दो रो भी हमने उतार ली हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ध्यान देने की बात है, पहले हमने यहाँ पे 24 फंदे लिए थे, 24 इस साइड, 24 इस साइड, और एक फंदा हमारा बीच में था। अब इस फ्लावर से हमारे तीन फंदे इस साइड बढ़ गए, तीन फंदे हमारे इस साइड बढ़ गए, तो अब हमने 27 फंदे हमारे इस साइड हो गए। हर फ्लावर में आपके तीन फंदे इस साइड बढ़ेंगे, तीन फंदे इस साइड, और जो बीच का सेंटर का फंदा है उस पर हमने फ्लावर बनाना है। तो देखिए हर बार आपने इसी तरीके से जितने भी आप फ्लावर बनाओगे, तीन तीन फंदे आपके बढ़ते जाएंगे, एक दो तीन, सॉरी, देखिए चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस और ये चौबीस। ये देखिए ये नीचे की ये लाइन है, इससे भी आपको पता चल जाएगा। 24 फंदे हमारे ये हो गए। अब देखिए तीन फंदे और ऐड करेंगे इसमें, एक दो और तीन, टोटल फंदे हमारे 27 हो गए इस साइड। और ये देखिए 27 फंदे हमारे इस साइड हो गए। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, 24 थे, 24 25 26 27, ये 27 फंदे हो गए। जो बीच का फंदा है इस पे हमने फ्लावर बनाना है, बिल्कुल सेंटर का फंदा है हमारा। तो देखिए इसमें से हम फर्स्ट वाले होल में से निकाल लेंगे। देखिए ये जो आपको दिखाई देगा एक रो नीचे से यहाँ से, और अपना हम ये पिंक थ्रेड लेंगे। ये देखिए एक बना लिया, लपेट लिया, दो बना दिया, तीन लपेट दिया, चार बना दिया, पाँच लपेट दिया, छः और ये बना दिया सात। इसको अब निकाल देंगे। ये देखिए और ये आगे के फंदे भी 27 फंदे में ग्रीन से बना के इस रो को कंप्लीट करूँगी। ये देखिए पूरी रो मैंने 27 फंदे इस साइड के बना के कंप्लीट कर लिए हैं। उल्टी साइड से 27 फंदे मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। एक बार फिर से मैं दिखा दूँगी फ्लावर के फंदे हमने कैसे बनाने हैं, ताकि बिगिनर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये हम इसी तरीके से बनाएंगे उल्टे उल्टे। ये देखिए इसको फिर से हम ऐसे कर देंगे, इसको आप ऐसे ज़रूर करिएगा, नहीं तो ये हमारा यहाँ पे थ्रेड लूज रह जाएगा। ये देखिए और सारे ही फंदे, ये हम सात फंदे आराम से आप इनको बनाइएगा। ये देखिए दो तीन चार पाँच छः सात, थ्रेड अपनी तरफ, और अब हम ग्रीन से बना देंगे। ये फंदे हम उल्टे उल्टे ग्रीन से बना के इस रो को मैं कंप्लीट करूँ। ये देखिए ये दूसरा फ्लावर भी हमने डाल लिया है। ये बीच की दो रो में ग्रीन से सिंपल बनाऊंगी, जैसे हमने इस फ्लावर के यहाँ पे बीच में बनाई थी सीधी तरफ से सीधा, और ये पिंक वाले भी हम ग्रीन से ही बना देंगे और उल्टी तरफ से उल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स दो फ्लावर मैंने डाल लिए हैं, तीन फ्लावर मैं इसमें और डाल लूँगी। ये देखिए इसमें हमारे यहाँ पे 27 फंदे थे, अब हमारे यहाँ पे ऊपर 24 फंदे थे, फिर यहाँ पे 27 हो गए। अगला जब हम तीसरा फ्लावर बनाएंगे तो उसमें हमारे 30 फंदे इस साइड, 30 फंदे इस साइड, फिर आगे हम बनाएंगे तो हमारे 33 फंदे हो जाएंगे, और फिर उसके ऊपर फ्लावर बनाएंगे तो 36 फंदे हो जाएंगे एक साइड और 36 फंदे इस साइड, तीन तीन फंदे दोनों साइड हर बार हमारे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल बीच सेंटर वाले फंदे पे आपने फ्लावर बनाना है, नहीं तो हमारे फ्लावर ये सीध में
नहीं आएंगे और डिज़ाइन हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसको बनाइएगा। मैं ये बना लेती हूँ, फिर मैं आपको ऊपर का दिखाऊंगी। ये देखिए, 1 2 3 4 5 पांच फ्लावर फ्रेंड्स मैंने बना लिए हैं। और ये देखिए बीच में मैंने ये इसमें ये सिंपल प्लेन यहाँ पे मैंने ये रो उतार ली है ग्रीन से। अब देखिए हम यहाँ पे उल्टी साइड हैं, तो यहाँ से मैं अब हम ऊपर जैसी हमारी ये तीन लाइन है ऐसी ही मैं यहाँ पे ऊपर सिंपल पहले उल्टा उल्टा बना के पिंक कलर से, अब हम ग्रीन से नहीं बनाएंगे, ऊपर का हम पिंक से बनाएंगे। ये देखिए ये पूरी रो में इसी तरीके से बना के कंप्लीट करूँगी। अब हम ऊपर कोई फ्लावर नहीं बनाएंगे। और अगर आपको बड़े साइज़ में बनानी है तो आप ज़्यादा फ्लावर बना लीजिए, 6 फ्लावर या 7 फ्लावर भी आप बना सकते हो। और अगर आपको बच्चे की बनानी है तो आप इसमें 3 फ्लावर या 4 फ्लावर बना लीजिए। ये देखिए पूरी रो में इसी तरीके से बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, और सीधी साइड से भी अब हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। जैसे हमने नीचे बॉर्डर बनाया है इसी तरीके से मैं इसमें ऊपर ये 3 लाइन बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम 2 रो बनाते हैं, मैंने पहले नीचे भी बताया बॉर्डर में, जब हमारी ये 1 लाइन बनती है तो देखिए 1 लाइन हमारी ये बन जाएगी। ये रो जब हमारी कंप्लीट होगी इसके ऊपर मैं 2 लाइन और इसी तरीके से बनाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमें क्या करना है। ये देखिए 3 लाइन मैंने इसमें डाल ली हैं, मैं उल्टी साइड हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, जितने भी आपके पास फंदे हों, 10 फंदे हमने सेंटर में रखने हैं और दोनों साइड हमने हाफ हाफ फंदे करने हैं। तो देखिए मेरे पास ये इसमें 80 फंदे हैं, तो 35 फंदे मैं इस साइड रखूँगी, 35 फंदे इस साइड, और बीच के बिल्कुल सेंटर के 10 फंदे हम उसमें हम अपने फंदे बंद करते हुए चलेंगे। ये देखिए 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और ये 35 35 फंदे हमारे इस साइड हो गए। अब देखिए डबल करके गिनूंगी मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 फंदे हमारे ये हो गए, 30 31 32 33 34 35 35 फंदे हमारे ये इस साइड हो गए। बीच के देखिए 1 2 3 4 और 5 10 फंदे हमारे ये बीच सेंटर में बच गई। आपने इसी तरीके से करना है, जितने भी आपके पास फंदे हों हाफ हाफ दोनों साइड और बीच सेंटर के आपने 10 फंदे ऐसे रखने हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 10 फंदे हमारे ये हो गए। तो 10वें फंदे को हम क्या करेंगे, आगे से 1 फंदा लेके 2 का 1 कर देंगे। और यही अभी इनको हम यहीं पे छोड़ देंगे, हम पलट लेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। आप देखिए ये हमारे 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा 10वां फंदा है और ये हमारा 11वां फंदा है। तो इस साइड से भी हम 2 का 1 कर देंगे। इन बीच फंदों को अब हम बीच में चलेंगे,
एक ही साइड से घटाते जाएंगे, एक ही साइड से। फिर से देखिएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, और ये दसवां फंदा है, और एक ये है, आगे से ले लेंगे हम। देखिए इसमें से हर फंदा हर रो में कम होता जाएगा, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये फंदे सारे ही हमारे घट के बिल्कुल, जब तीन फंदे बच जाएंगे इस साइड और तीन फंदे इस साइड, तब तक मैं इसी तरीके से घटाऊंगी, फिर आगे का मैं आपको दिखाऊंगी। ये फिर से देख लीजिए, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ये दसवां फंदा है ये, और एक हम आगे से ले लेंगे। अब आपको गिनने की ज़रूरत नहीं, अब अलग से ही आपको फंदे ऐसे ही देखिए दिखाई देंगे, और यहीं से हम वापस से मुड़ जाएंगे। हर बार आपने इसी तरीके से इसको बनाना है, सारे फंदे दोनों साइड से, एक एक फंदा घटता जाएगा। ये देखिए, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, दसवें फंदे के साथ हम आगे से एक फंदा हम और आगे से ऐड कर लेंगे। ये देखिए, और यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हमारी ये देखिए शेप बननी स्टार्ट हो गई है। तो सारे फंदे हम ऐसे ही ये बंद कर लेते हैं, तीन इस साइड बच जाएंगे, तीन इस साइड बच जाएंगे, सारे फंदे हमारे घट जाएंगे, तब तक मैं इसको इसी तरीके से बनाऊंगी। ये देखिए, इस साइड हमारे तीन बच गए हैं, इस साइड मैंने एक यहाँ पे घटा दिया, पहले चार थे। अब देखिए, दोनों साइड से हमारे फंदे घटते हुए बिल्कुल तीन तीन फंदे दोनों साइड बच गए हैं, इनको भी हम बंद करेंगे। ये देखिए, हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये, नीचे का पार्ट हमारा ये देखिए बिल्कुल बन के ये कंप्लीट हो गया है। अब आपको मैं इसको दिखाऊंगी, नीचे कोई भी इसमें जोड़ नहीं आया है, ऐसे ही हम सलाइयों से सारे फंदे एक एक करके बंद कर लेते हैं। ये देखिए, अब दो फंदे बच गए हैं, ध्यान से देखिए, फंदों का हम एंड कैसे करेंगे। इस साइड से भी एक फंदा हम घटा देंगे, दो हमारे इस साइड बच गए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बीच के फंदे भी हमने, अंदर के फंदे भी अब धीरे धीरे बंद करने हैं। तो देखिए, दो का एक कर दिया, फिर से दो का एक कर दिया, और ये देखिए इस साइड से हम ये एक फंदा और हमने ले लिया, बीच में भी हमने दो बार कम कर दिए हैं। और ये देखिए, ये लास्ट का फंदा इस बार हमारा इस साइड से बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इस साइड हमारा ये एक लास्ट का फंदा बचा हुआ है। बीच में से फिर से हम एक बार इसमें कम कर देंगे, ये देखिए। अब ये हमारे पांच फंदे बच गए हैं, छः, और ये देखिए इस साइड से भी हम ये फंदा कम कर देंगे, ये देखिए। सारे फंदे हमने धीरे धीरे कम कर दिए हैं, एक हम बीच में से फिर से कम कर देंगे। सीधी साइड को जो भी आपकी ऐसे
ये नोट आ जाए, इसको आप बैक साइड में कर दीजिए। ये देखिए, ये इस तरह से फ्रेंड्स हमारी ये फंदे बंद हो गए हैं। अब ये सारे फंदे मैं एक बार में ही, जब आपके 5-6 फंदे बच जाएं, फिर आप इनको ऐसे बंद कर दीजिए। इससे क्या होगी, हमारी एडी की बहुत ही अच्छी शेप आएगी। फूल को हम काट देंगे, ये हमारी सिलाई में भी काम आ जाएगी। ये देखिए, सारे फंदे हमारे ये बंद हो गए हैं। ये देखिए, अब हम इसकी फ्रेंड्स सिलाई करेंगे। तो इसकी सिलाई हम कैसे करेंगे वो आप एक बार देख लीजिए। बैक साइड से ही बस हमने इसकी सिलाई करनी है। नीचे का हिस्सा हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। इसकी हम ऐसे सिलाई कर देंगे, बिल्कुल कलर से कलर, ऐसे लाइन से लाइन ऐसे मिलाइएगा। तो इसकी हम पिंक से करेंगे, ऊपर से भी पिंक से करेंगे और बीच की हम ग्रीन से करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, बिल्कुल ऐसे आपने लाइन से लाइन मिला के इसकी सिलाई कर। थ्रेड यहाँ से थोड़ा था, उसी में मैंने ये डाल ली है और हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे, बिल्कुल ऐसे कलर से कलर ऐसे मिला लेंगे। तो अब हम इसकी पिंक से ही हम इसकी सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आपने ये चेन वाला फंदा ऐसे उठाना है दोनों साइड से। जैसे आप सिलते हो वैसे ही सिलाई करिएगा, लेकिन बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप इसकी सिलाई करिएगा। मैं यहाँ तक पिंक से करूँगी, ऊपर मैं ग्रीन से करूँगी और ऊपर की फिर से मैं ऐसे, बिल्कुल कॉर्नर आप ऐसे मिला दीजिए, ऐसे यहाँ से सिलना स्टार्ट कीजिए। यहाँ तक आप आइएगा, नहीं तो यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा पोत, ये किनारा हमारा ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सफाई के साथ आप इसकी सिलाई करिएगा। तो मैं इसको सील लेती हूँ, फिर मैं आपको इसको पैर में डाल के दिखाऊँगी। देखिए, ग्रीन मैंने ग्रीन से सिलाई की है और पिंक मैंने पिंक से सिलाई की है। तो फिर देखिए, इस तरह से पीछे से बैक साइड से आपका सीधी साइड से दूसरे कलर का थ्रेड यहाँ से दिखाई नहीं देगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सिल के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसको पैर में डाल के दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर इसकी फिटिंग आई है। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका नीचे का हिस्सा बना है, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है ये, क्योंकि इसमें बीच में हम सिलाई नहीं करते तो पैर में हमारे बिल्कुल भी नहीं चुभता है ये। और ये देखिए, परफेक्ट इसकी बिल्कुल एडी की शेप आई है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।